सबसे पहले सर डॉक्टर हाई साहब इनको देखकर हम लोग बड़ा हुए हैं और इनको ही देखकर हमने सोचा था कि हाँ इनके जैसा बनना है. तो ही वॉज माई इंस्पिरेशन. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. सर के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोलना है. सर बेस्ट है. थैंक यू सो मच. हम सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे डॉक्टर फिरोज आलम को, इनकी फैमिली को, डॉक्टर सिंह को, इनके दोस्तों को कि उन्होंने एक प्लान करके एक अच्छा सा छोटा ही सही लेकिन अच्छा सेटअप किया मेडिकल फैसिलिटी जो कि साफ सुथरा नजर आ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे इलाके के सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. हमें याद है कि आज से करीब 40 साल पहले यहाँ थोड़ी थोड़ी थोड़ा ही हो गया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किया था और एक कमरे शुरू हुआ था वो जी. फिर दो कमरा हुआ, फिर पांच हुआ, फिर सात हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 40 हो गया. और उस वक्त का वो कम से कम इस एरिया के लिए और पटना के लिए एक बहुत ही हॉस्पिटल हुआ और वही शुरुआत हुई. फिर बाद में HMRI बना बेली रोड में, फिर पारस HMRI बना और आज वहाँ 350 बेड हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ. तो हम सिर्फ ये कहेंगे डॉक्टर फिरोज से और डॉक्टर सिंह से और पूरी टीम से कि मरीज के दर्द को समझना चाहिए. वही लोग पूछते हैं कि इतना सक्सेस कैसे हुआ. हमारे अंकल यहाँ बैठे हुए हैं प्रोफेसर साजिद जैन साहब. मरीज के दर्द को समझना चाहिए, वही सबसे बड़ा की फैक्टर वही है. वो तकलीफ में रहता है, वो कभी कभी ऐसी बातें करता है जो कि बेसर पैर की हो, घबराहट हर कोई बोलता है, हमें घबरा के बोल देंगे. और हर कोई जानता है कि जिंदगी और मौत डॉक्टर हाथ में नहीं है, वो एक मालिक है जो चला रहा है संसार को, उसी के हाथ में है सब कुछ. लेकिन एक मरीज अगर देखता है कि इन हालात में, इन सर्कमस्टेंसेस में
अगर जो बेस्ट पॉसिबल इलाज हुआ वो हमने किया, उसके बाद फिर मरना जीना तो लगा हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अस्पताल एक बहुत ही सक्सेसफुल अस्पताल होगा इंशाल्लाह, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें लोग ट्रेंड होंगे और ट्रेंड होकर के इस पूरे इलाके के लिए एक नेमत साबित। थैंक यू वेरी मच।